बेवकूफ जाहिल लोगो तुम लोग, साले अक्कल नहीं है तुम लोगों को। क्या यूपी समझ के रखे क्या बंबई को? हाँ, बंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है, मुंबई खुले सांडों का इलाका है। हेलो गाइस, कल पूरे भारत में राम मंदिर को लेकर के पूरे देश में चर्चा थी। हर जगह नारे लग रहे थे और पूरे देश में रैलियां निकल रही थी, लेकिन कल मुंबई महाराष्ट्र के एक मीरा नगर से जब राम भक्तों की एक रैली निकली, जहां पर वो लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो वहां पर मुस्लिम समुदाय ने कुछ लोगों ने वहां पर उन लोगों के ऊपर पत्थरबाजी कर दी और वहां पर उनकी बहुत सारी गाड़ियां थी उनको तोड़ फोड़ कर दी। उसके बाद ये पूरा मामला सोशल मीडिया पे आ गया और वहां पर लोग अपने अपना रिएक्शन देने लग गए। वहां पर एक का वीडियो वायरल हो रहा था जहां पर वो व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से था और उसने बहुत सारी बातें हिंदुओं को लेकर के और पुलिस को लेकर के और महाराष्ट्र पुलिस को लेकर के तो उसने क्या क्या कहा है। चलो मैं उनका वो वाला वीडियो दिखाता हूं। उसके बाद उसके साथ में क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं। क्या यूपी समझ के रखे क्या बम्बई को? हाँ, बम्बई किसी के बाप की जागीर नहीं है, बम्बई खुले सांडों का इलाका है और खुले सांड बम्बई में ही घूम रहे। काहे के लिए जबरदस्ती जो इंसान सोया हुआ है उसको जगाने की कोशिश कर रहे, बेमतलब का। हाँ, क्या जरूरत थी तुम लोग को आने की नया नगर के अंदर? हाँ, तुम लोग का राम इधर नया नगर में? हाँ, यहाँ मुसलमान लोग रहते, यहाँ पर आकर के जय श्री राम के नारे लगा रहे तुम लोग, क्या हासिल हो रहा है तुम लोग को करके? उकसाने की कोशिश कर रहे, क्या हो गया उकसा करके? नुकसान तुम्हारा हुआ है ना। अभी देखो नया नगर में कल से बैरिकेड मारा जाएगा, जो झंडे लगा के तुम लोग आ रहे थे अब तो वो भी नहीं आ पाएंगे। हाँ, क्या उखाड़ लिया तुम लोग ने? अब एक भी बाइक वाला आके दिखा दे रहे यहाँ पे, आ सकता है कोई? अब कोई नहीं आ पाएगा, क्या मतलब हुआ है सब करके? अरे तुम लोग अपना आराम से रहो, हम लोग को सुकून से रहने दो, हम लोग तो तुम्हारे अंदर उंगली नहीं करते ना नीचे से, ऐसा तो तुम लोग काहे के लिए आकर के अपने ऊपर से दे रहे हो? हम लोग को खाली फुकड़ का बेमतलब का बात बढ़ाने की काम कर रहे हो यार तुम लोग, और कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम लोगों को? हाँ, अभी इतनी तादाद हजारों की तादाद में पब्लिक बाहर आ गई है रात के 11 बजे 10:30 11 बजे। हाँ, और एक भी जना अगर सपड़ा जाता तो क्या होता था? अरे शुक्र मानो तुम लोग कि मुसलमानों के अंदर है ना नफरत से ज्यादा रहम है, हम लोग रहम ज्यादा करते हैं। जिस दिन नफरत पे उतर जाएंगे ना तो पता नहीं क्या होएगा। अरे अभी सुधर जाओ, अभी भी बम्बई के अंदर जो तुम लोग फसाद करने की कोशिश कर रहे हो ना, जो यूपी को बना के रखे हो, जो बिहार को बना के रखे हो, हाँ जो तुम लोग के स्टेट है वो बना के रखे हो, बम्बई में नहीं होने वाला है। हम लोग से निपटना पड़ेगा, बाद में पुलिस वालों से निपटना पड़ेगा। बम्बई मुंबई की पुलिस भी वैसी नहीं है, समझ में आया क्या? मुंबई की पुलिस को मालूम है कि किसको क्या क्या किसका है, वो यूपी की पुलिस नहीं है जो चाटेगी जाकर के, ये बम्बई की पुलिस है। अब बैरिकेड लग जाएगा, अब उखाड़ो क्या उखाड़ते हो तुम लोग, आके तो दिखाओ अभी। अबे पुलिस वालों से, पुलिस वाले तुम लोग अंदर ही नहीं आने देंगे बे, अच्छा खासा घूम रहे थे चुपचाप। हाँ, हम लोग भी बोल रहे चल जाने दे यार, इन लोग का त्यौहार है, घूम रहे घूमने दो, पर तुम लोग के अंदर चूल है ना चूल, वो चूल तुम लोग को आज ये भारी पड़ा है। अब ये दोबारा गलती नहीं करना नया नगर में आकर के ये सब हरकत करने की, इतना सीख लेना। अगर अभी भी समझ नहीं है ना फिर अपने रिक्स पे आना, समझा? बेवकूफ जाहिल लोग हो तुम लोग, साले अक्कल नहीं है तुम लोगों को। किसी के बहकावे में आके, दारू के नशे में आकर के हाँ तुम लोग ये सब हरकतें कर रहे हो। अबे हम लोग तुम लोग से नफरत नहीं करते, छूटिए लोग, इंसान हो तुम लोग। हाँ, इंसान हो तो इंसानियत दिखाओ, हम लोग तो इंसान है, हम लोग इंसानियत दिखा रहे कि हम लोग जानते थे भाई किसी का त्यौहार, हम लोग कुछ बोल नहीं रहे, और तुम लोग के अंदर इंसानियत नहीं है, तुम लोग के अंदर चूल है कार्ड कहां पे, उधर पे, समझ गए होंगे, समझे? एक बात और है, बात अगर इंसानियत की होगी ना तो पहले मैं एक इंसान हूं, बात अगर इंसानियत की होगी ना तो पहले हम मुसलमान एक इंसान है, और अगर मजहब को बीच में लाओगे ना तो कट्टर मुसलमान है, समझा क्या? चल अभी। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना इस वीडियो में इस व्यक्ति ने क्या क्या कहा। अब इस वीडियो को लेकर के इस व्यक्ति के ऊपर पुलिस ने अपना रिएक्शन भी लिया, पुलिस ने इस व्यक्ति को अरेस्ट भी कर लिया है और ये अभी जेल में है, और मुंबई महाराष्ट्र के पुलिस ने इसके ऊपर कड़ा एक्शन लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये व्यक्ति वही है, ये अभी जेल के सलाखों के पीछे पहुँच चुका है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोग का क्या रिएक्शन है और आप इस व्यक्ति को क्या कहना चाहते हो, कमेंट में जरूर से बताते जाना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।